आइए इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल्स लेते हैं। हमारे सहयोगी अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, टोल कलेक्शन सिस्टम बदलेगा, क्या ये नया सिस्टम रहेगा, जीपीएस के जरिए कैसे इसे जोड़ने की कोशिश की गई है और कैसे होगा ये और भी ज्यादा आसान? देखिए साथ ही सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस पूरे सिस्टम का ट्रायल ऑलरेडी हो चुका है। देश के 4 हाईवेज को चुना गया था इसके लिए और पायलट पूरा किया जा चुका है, उसके बाद ही सरकार ने यह नियम जारी किया है। नियम ये कहता है कि जिन गाड़ियों में ये जीएपी से आधारित डिवाइस लगी रहेगी उन गाड़ियों के लिए एक अलग लेन होगी जो कि शुरुआती दौर में होगी, यानी कि फास्टैग के अभी तक हम ये मानते थे कि जिसको फास्टैग है वो जल्दी जा सकता है, उसको डबल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसी जो जीपीएस वाली टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियाँ होंगी उनके लिए एक अलग लेन होगी हर हाईवे पे, तो ऐसे में उनके लिए फास्ट एग्जिट इजी हो जाएगी। इसके साथ साथ दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे व्यवस्था में सिर्फ आपको उतना ही टोल देना है जितने की आपने यात्रा की। अभी तक आप एक टोल बूथ से अगले टोल बूथ तक के लिए पूरी यात्रा के दौरान का, चाहे भले आपने वो यात्रा करनी हो या नहीं करनी हो, आपको पूरा टैक्स देना पड़ता था। अब जिन गाड़ियों में ये सिस्टम लगा रहेगा उनको शुरुआती 20 किलोमीटर तो फ्री होंगे, इसके अलावा अगर आप उससे एक्स्ट्रा दूरी तय करते हैं तो आपको सिर्फ उतने किलोमीटर की दूरी का पैसा देना होगा जितने किलोमीटर आपने उस सड़क पर यात्रा की, यानी कि जितनी यात्रा उतना टोल, यानी कि आपका टोल पिछले मौजूदा जो व्यवस्था है उससे थोड़ा सस्ता भी हो जाएगा। इसके साथ साथ चूँकि जो व्यवस्था है वो जीपीएस आधारित है, यानी कि पूरी जो तकनीक है वो सैटेलाइट से मॉनिटर की जाएगी, आपकी गाड़ी में एक डिवाइस लगेगा वो सैटेलाइट से मॉनिटर हो रहा होगा और इस पूरी तकनीक में कहीं भी किसी टोल प्लाजा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में देश के तमाम हाईवेज पे जो जाम के सबसे बड़े पॉइंट हैं यानी कि टोल प्लाजा हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, इससे सीमलेस ट्रैवल जो है देश के किसी भी हाईवे पे की जा सकती है। तो कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी की वजह से ये पूरी चीज़ें फास्ट हो जाएंगी, टोल कलेक्शन फास्ट होगा, इसके साथ साथ आपको सिर्फ उतना ही टोल देने की ज़रूरत होगी जितना कि आपने यात्रा की है और लाइनें एक तरह से ख़त्म हो जाएंगी, तो कुल मिलाकर लोगों के लिए एक अच्छी सुविधा आने वाली है। अब ये डिवाइस जो है सरकार की व्यवस्था है कि अगले कुछ महीनों में लगभग सभी नए गाड़ियों में आने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी जो फास्टैग का जो टोल कलेक्शन सिस्टम है उसको सरकार अपग्रेड करने जा रही है और जिस तरीके से एनएच पे ये अपग्रेडेशन होगा उसी तरीके से उन इलाकों में जो गाड़ियां रजिस्टर होंगी उनमें भी ये सिस्टम लगाया जाएगा और धीरे धीरे एक तरह से पूरे देश में ये सिस्टम, कोशिश ये सरकार की है कि अगले पूरे साल के दौरान देश भर में सिस्टम लगा दिया जाए, लेकिन चाहे समय कितना भी लग जाए लेकिन एक अच्छी सुविधा है लोगों के लिए, पैसा वसूल है, लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेटिंग खत्म हो जाएगी और सिर्फ आपको उतना ही टोल देने की जरूरत पड़ेगी जितना कि आपने यात्रा की है, तो एक अच्छी सुविधा ग्राहक के हिसाब से। जी बिल्कुल, तो जितना सफर उतना टोल और भी कई फायदे इस जीपीएस आधारित टोल सिस्टम के। धन्यवाद करेंगे आपका अमरीश इस पूरी